छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 30 मई को आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले ही इस समारोह को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ये कोई नई बात नहीं है, जब विश्वविद्यालय को लेकर छात्र नेताओं ने कोई बखेड़ा खड़ा किया होगा। यहाँ कभी विभागाध्यक्ष की डिग्री फर्जी होने की बात सामने आती है तो कभी किसी विभाग से सेटिंग के जरिए किसी खास को लाभ दिलाने की कोशिश की जाती है। अब दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमंत्रित नहीं करने पर छात्र नेताओं ने बवाल खड़ा कर दिया है। NSUI ने कुलपति पर संघीय नियम थोपने का आरोप लगाया है। ऐसा पहली बार होगा जब छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत नहीं देंगे। इस बार दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति और राज्यपाल होंगे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री विशिष्ट अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं होने से कार्यक्रम में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के भी दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर संशय है। सरकार और विश्वविद्यालय के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही उच्च शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं NSUI के हनी सिंह बग्गा ने बताया कि जब से विश्वविद्यालय में कुलपति बलदेव भाई शर्मा की नियुक्ति हुई है, तब से विश्वविद्यालय के हर कार्यक्रम में विवाद होता है। कुलपति सिर्फ RSS और ABVP के एजेंडे को लेकर चलते हैं। अभी हमें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नहीं बुलाया गया। हमने इस बात का विरोध भी किया है। बग्गा ने बताया कि जब हमने कुलपति से मुख्यमंत्री को दीक्षांत समारोह में नहीं बुलाने की बात पूछी तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे। हर कार्यक्रम में हमारी सरकार की ओर से कोई व्यक्ति आता है तो कुलपति सारे कार्यक्रम को छोड़कर चले जाते हैं। इसका हम सभी विरोध करते हैं। आने वाली 30 तारीख को दीक्षांत समारोह के दौरान जैसी स्थिति होगी, हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय को लेकर पहले भी कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं। चाहे वह प्रोफेसर को लेकर विवाद हो या फिर कुलपति की नियुक्ति को लेकर, सरकार और विश्वविद्यालय के बीच तकरार लंबे समय से जारी है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुका है। जब राजभवन और मुख्यमंत्री हाउस के बीच कुलपति की नियुक्ति की फाइल इधर से उधर हो रही थी, जिसके बाद आनन फानन में राजभवन से कुलपति बलदेव भाई शर्मा की नियुक्ति का आदेश पत्र जारी किया गया था। आदेश पत्र जारी होने के बाद कुलपति के विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले छात्र नेताओं के द्वारा कुलपति को खासा विरोध का सामना भी करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।